हेलो बच्चों, वेलकम टू अपना करियर। आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं पेट की तैयारी। ठीक है, पेट में आप लोगों में हम लोग पढ़ेंगे इसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी मैथमेटिक्स के बारे में। इसमें मैथमेटिक्स में हम लोग पढ़ेंगे ग्राफ के बारे में। ठीक है, और ग्राफ से आपके जो है 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 10 मार्क के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और साथ ही में आपसे टेबल के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और यहाँ से भी 10 मार्क के क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ से आप लोगों को 20 नंबर के अंक आसानी से प्राप्त हो जाते हैं। और इन सभी प्रश्नों को कैसे आसानी से सॉल्व करना है ये हम लोग आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाले हैं। बस करना क्या है आप लोगों को, कंटिन्यूस हमारे साथ बने रहना है। इसके लिए क्या कीजिए, आप लोग हमारे चैनल अपना करियर को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिलता रहे। हम लोग जो है इस पर खूब ढेर सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस से ही जो है ये हम लोगों के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग क्वेश्चन। इसमें हम लोगों को क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, तो इन सभी प्रश्नों को सबसे पहले आप लोग देख लीजिए। ठीक है, इसमें जो ग्राफ वाले क्वेश्चन होते हैं, ग्राफ वाले क्वेश्चन देखिए किस प्रकार से दिए रहते हैं। तो इस प्रकार से एक आकार बना होता है, आकृति दी रहती है, DI का क्वेश्चन होता है ये। ठीक है, और इसी से जो है हम लोगों को डेटा निकालना होता है। अब डेटा निकालते कैसे हैं इस चीज़ को आप लोग यहाँ पर बढ़िया से सीखिए। कैसे निकाला जाएगा डेटा, तो यहाँ पर जो लिखा गया है ग्राफ के एक परीक्षा में कुल कितने छात्र है, तो 7 छात्र शामिल हैं, और छात्रों को जो है यहां पर देख रहे हैं, यहां पर दर्शाया गया है। ठीक है, यहां पर जो है इन छात्रों को दर्शाया गया है, और फिर उसके बाद जो है इसमें जो अंक ये दर्शाए गए हैं, ये अंक किसके किसके हैं, इतिहास और भूगोल के अंकों का अनुपात दर्शाया गया है। कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर हिस्ट्री अपॉन ज्योग्राफी को बताया गया है। ठीक है, यहाँ पर ये जो है ये वैल्यू किसका है, ये स्टूडेंट नंबर 1 का है, ये किसका है स्टूडेंट 2 का है, ये किसका है स्टूडेंट 3 का, और ये किसका है स्टूडेंट 4 का, और ये किसका है स्टूडेंट 5 का है, और ये किसका स्टूडेंट 6 का, और ये किसका डेटा है, ये स्टूडेंट 7 का है। ठीक है, इस तरह से आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा। तो कहने का मतलब अगर हम स्टूडेंट 1 की बात करें, यहाँ पर थोड़ी सी चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखना होगा क्या, कि अगर हम स्टूडेंट 1 की बात करें तो स्टूडेंट 1 का जो है हिस्ट्री और ज्योग्राफी का जो रेशियो दिया गया है इसको सॉल्व करने पर कितना आया, 0.65 दिया गया है। इसी तरह से स्टूडेंट 2 की अगर हम बात करें तो इसका रेशियो कितना दिया गया है हिस्ट्री और ज्योग्राफी के अंकों का, तो H/G यानी हिस्ट्री अपॉन ज्योग्राफी इज इक्वल टू कितना दिया गया, 0.85 दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ये डेटा किस प्रकार से दिया जाता है, और इन्हीं के आधार पर जो है हम लोगों को प्रश्नों को सॉल्व करना होता है। इसमें करना क्या है, बस केवल आप लोगों को इसमें डेटा को ध्यान से देखना है, और फिर उसके बाद आप जो है आसानी से क्वेश्चनों के जवाब दे सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग प्रश्नों को देखते हैं कि इन पर प्रश्नों को कैसे पूछा जाता है। ठीक है, तो इस पर जो प्रश्न दिए जाते हैं, इसमें प्रश्न क्या है हमारा, कह रहा है कि निम्न में से किन छात्रों को भूगोल की अपेक्षा इतिहास में कम अंक मिले। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, इसमें प्रश्न में क्या पूछ रहा है कि इतिहास में कम अंक मिले हैं और ज्योग्राफी में ज़्यादा अंक मिले हैं, ऐसे कितने छात्र हैं। ठीक है, ये चीज़ हम लोगों को इसमें बतानी है, और यहाँ पर ये जो अंक दिए गए हैं ये सब अंक किसके दिए गए हैं, हिस्ट्री और ज्योग्राफी के रेशियो के दिए गए हैं। अगर हम छात्र 1 की बात करें तो छात्र 1 का हिस्ट्री और ज्योग्राफी का जो रेशियो है कितना है, ये 0.65 है। तो कहने का मतलब क्या हो गया, ये 65/100। ठीक है, 0.65 का मतलब कितना हो गया, 65/100। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर जो स्टूडेंट 1 है, स्टूडेंट 1 को हिस्ट्री में 65 नंबर और ज्योग्राफी में 100 नंबर मिले हैं। ठीक है, इसी तरह से हम लोग बात करें अगर स्टूडेंट 2 की, तो स्टूडेंट 2 जो है हमारा, इसका रेशियो कितना है, इसका है 85/100। कितना है, 85/100। ठीक है, तो यहाँ पर इसको हिस्ट्री में कितना 85 और फिर उसके बाद ज्योग्राफी में कितना 100 मिला है। इसी तरह से अगर हम बात करें स्टूडेंट 3 की, तो इसका कितना है, 0.35 है। तो कहने का मतलब क्या है, ये 35/100 इसको लिख सकते हैं। ठीक है, दो अंक बाद दशमलव सभी में है तो 35/100 लिख सकते हैं। तो कहने का मतलब इसको हिस्ट्री में कितना अंक मिला है, 35, और ज्योग्राफी में कितना मिला है, 100। ठीक है, अगर उसी तरह स्टूडेंट 4 की हम बात करें तो स्टूडेंट 4 जो है उसका कितना है, देखिए स्टूडेंट 4 का कितना है, तो यहाँ पर कितना है, 1.25 यानी 100
25/100। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हिस्ट्री में 125 अंक हो गया और ज्योग्राफी में कितना हो गया, 100 हो गया। फिर उसके बाद उसी तरह से देख रहे हैं यहाँ पर स्टूडेंट जो 5 है इसको कितना अंक मिला है, तो 1.4, कहने का मतलब कितना है, 14/10। कितना हो जाएगा, 14/10 हो जाएगा। और फिर उसके बाद यहाँ पर अगर स्टूडेंट 6 की हम बात करें तो स्टूडेंट 6 का कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 95/100। ठीक है, 95/100। और फिर उसके बाद जो है यहाँ पर स्टूडेंट 7 की अगर हम बात करें तो स्टूडेंट 7 जो है इसका कितना हो जाएगा, 155/100 हो जाएगा। ठीक है, 155/100। अब यहाँ पर हम लोगों को प्रश्न क्या कह रहा है, कह रहा है कि ऐसे कितने, कौन कौन से छात्र हैं, किन किन छात्रों को जो है हिस्ट्री में कम अंक मिले हैं और ज्योग्राफी में ज़्यादा अंक मिले हैं। तो हिस्ट्री में कम अंक किसको किसको मिले हैं, तो हिस्ट्री में कम इसको मिला है, इसको मिला है हिस्ट्री में कम, और इसको भी हिस्ट्री में कम मिला है। यहाँ पर देख रहे हैं हिस्ट्री का अंक ज़्यादा है, यहाँ पर भी हिस्ट्री का अंक ज़्यादा है, यहाँ पर हिस्ट्री में इसको भी कम मिला है, यहाँ पर हिस्ट्री का अंक ज़्यादा है। तो कौन कौन से हमारे छात्र हो गए, तो छात्र नंबर 1, छात्र नंबर 2, छात्र नंबर 3 और छात्र नंबर 6, इन चारों छात्रों को जो है हिस्ट्री में ज़्यादा अंक मिला है और ज्योग्राफी में क्या है, कम अंक मिला है। ठीक है, तो यहाँ से कौन कौन से छात्र हो गए हमारे, 1, 2, 3 और 6 हो गए, तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो देख रहे हैं इसमें हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग कितना आसानी से देखिए, आप लोगों को इसमें ना तो गुणा करना पड़ा ना तो भाग करना पड़ा, आसानी से आप लोगों ने बता दिया कि कौन कौन से ऐसे छात्र हैं। ठीक है, कौन कौन से ऐसे छात्र हैं जिनको हिस्ट्री में कम अंक मिले हैं और ज्योग्राफी में जो है ज़्यादा अंक मिले हैं, ये हम लोगों को बताना है। ठीक है, हिस्ट्री में कम अंक और ज्योग्राफी में ज़्यादा अंक मिले हैं, ये हम लोगों ने यहाँ पर आसानी से बता दिया। अब एक चीज़ यहाँ पर आप लोग ध्यान रखिए, और भी आसान तरीके से हम लोग इसको बता सकते हैं। कैसे बता सकते हैं, हम लोगों को पता है ये जो अंक दिए गए हैं ये सब क्या दिए गए हैं, हिस्ट्री अपॉन ज्योग्राफी, इन्हीं का रेशियो दिया गया है। ठीक है, और इनका रेशियो जब है, इनका रेशियो जब 1 से बड़ा होगा तब जो है हिस्ट्री में ज़्यादा अंक होगा, 1 से जब बड़ा होगा तब क्या होगा, हिस्ट्री में ज़्यादा अंक होगा और ज्योग्राफी में कम अंक होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर देखें तो 1 से बड़ा ये है 1 से बड़ा और ये बड़ा है, तो इन सभी में हिस्ट्री में ज़्यादा अंक हो जाएगा, ज्योग्राफी में कम हो जाएगा, पर हम लोगों को हिस्ट्री में कम और ज्योग्राफी में ज़्यादा बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारा ऑप्शन कौन कौन सा सही होगा, तो फिर से देखिए 1 से कम कितने हो जाएंगे, ये 1 से कम है ये और ये तीन, ये जो हैं सब 1 से कम है। ठीक है, इसमें ये अंक और ये सभी 1 से कम हैं। 1 से कम होने का मतलब क्या है, हिस्ट्री में अंक आपका कम हो जाएगा और ज्योग्राफी में ज़्यादा हो जाएगा। तो 1, 3, 2, 3 और 6 यही हमारा इसमें राइट आंसर बनेगा। ठीक है, अब देखिए इसी ग्राफ पर, ठीक है, इसी ग्राफ पर आधारित हम लोगों को जो है और भी प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, एक ग्राफ आपको दिया रहेगा और उससे कई प्रश्न आपसे, 4-5 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं आप लोगों के पेट के एग्जाम में। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ये प्रश्न हम लोगों को जो दिया गया है इसमें कह रहा है कि भूगोल में, ठीक है, छात्र 3 से छात्र 4 के मध्य अंक की प्रतिशत बढ़त है, यानी कितना प्रतिशत अधिक है आप लोगों को इसमें बताना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हम लोग जो है पर्टिकुलरली भूगोल के अंक को नहीं बता सकते। ठीक है, भूगोल का अंक कितना है या फिर इतिहास का अंक कितना है, ठीक है, प्रश्न में हमें ऐसा कोई डेटा नहीं दिया गया है कि जिससे हम लोग बता सकें अलग अलग रूप में, ठीक है, कि भूगोल का अंक कितना है या इतिहास का अंक कितना है। अगर दोनों में से, इतिहास या भूगोल में से किसी का भी अंक दिया गया होता तब हम लोग जो है यहाँ पर मान ज्ञात कर सकते थे। हम लोगों को दिया क्या गया है, हिस्ट्री अपॉन ज्योग्राफी का रेशियो दिया गया है, हम लोगों को इसका अनुपात पता है, तो इस वजह से जो है हम लोग इसमें भूगोल के अंक को नहीं बता सकते, इतिहास के अंक को भी नहीं बता सकते। अगर दोनों में से, अगर हमारे प्रश्न में भूगोल का अंक दिया होता या इतिहास का अंक दिया होता तो हम दोनों के अंकों को ज्ञात कर सकते थे, और फिर उसके बाद जो है दोनों के, भूगोल के, ठीक है, छात्र 3 जो है और छात्र 4 जो है,
छात्र तीन और छात्र चार जो हैं, अगर इन दोनों के अंकों को हम बता पाते तभी जो है हम प्रतिशत निकाल पाते। तो इसके लिए क्या होना चाहिए, हमको भूगोल या इतिहास के अंक पता होना चाहिए, जो कि हमको पता नहीं है। तो जब पता नहीं है तो हम इसके जो है मध्य प्रतिशत नहीं बता सकते, और जब प्रतिशत नहीं बता सकते तो हम कह सकते हैं कि इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हमारे पास जो मान दिया गया है वो अपर्याप्त है। तो इसमें हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा कि आंकड़े जो हैं इसमें अपर्याप्त हैं, इस वजह से जो है हम इन प्रश्नों को सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। हर बार याद रखिएगा, कोई ज़रूरी नहीं कि आपके हर एक प्रश्न का आंसर जो डेटा दिया गया है उससे आप बता ही सकें। ठीक है, ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न की बात करते हैं। अब देखिए उसी DI पर जो आपको ग्राफ दिया गया था उसी पर आप लोगों से अगला प्रश्न फिर से पूछा गया। कह रहा है इतिहास भूगोल के अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का अंतर बताइए। अब देखिए अधिकतम और न्यूनतम अनुपात का अंतर आपसे पूछा गया है, ये आप लोगों को ध्यान देना है। और देखिए इतिहास और भूगोल के अनुपात का, ठीक है, H by G का अधिकतम मान कौन सा है, ठीक है, का अधिकतम मान कौन सा है। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, बस आप लोगों को हम समझा रहे हैं तो इस वजह से लिख दे रहे हैं। आप लोग सीधा वैल्यू रख करके घटाएंगे तो अधिकतम कौन सा है, तो देख रहे हैं यही वैल्यू सबसे अधिकतम है 1.55 और निम्नतम कौन है। ठीक है, निम्नतम कौन है, तो इसमें सबसे निम्नतम जो है वो कौन सा है, 0.35। ठीक है, 0.35 है, और इन्हीं का आपको क्या बताना है, अंतर बताना है। तो अंतर के लिए क्या कीजिए, आप घटा दीजिए। तो सिंपली इसमें आपसे पूछा क्या गया, प्रश्न में पूछा गया आपसे कि क्या आप दशमलव का घटाना जानते हैं। इस प्रश्न का पूछने का अर्थ सिर्फ इतना है। तो दशमलव में से घटा दीजिए कैसे, यहाँ पर देखिए दशमलव है, यहाँ पर भी दशमलव है, तो दशमलव को समान स्थान पर रखिए। अब पाँच में से पाँच घटेगा तो कितना आ जाएगा, जीरो, और पाँच में से तीन घटेगा तो कितना बचेगा, दो, और फिर उसके बाद यहाँ पर लगा लीजिए दशमलव, और एक में से जीरो को घटाएंगे तो कितना बचेगा, जीरो, यहाँ पर एक बचेगा। ठीक है, तो 1.20 ये हो जाएगा हमारा इसमें राइट आंसर, यानी अधिकतम और निम्नतम का अंतर इसमें हम लोगों को बताना था। तो अंतर हमारा कितना आया, 1.20। तो इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा सही होगा, तो देख रहे हैं ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें हम लोगों का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो देख रहे हैं आप लोग कितना आसान से प्रश्नों को आप लोगों को सॉल्व करना आ रहा होगा। ठीक है, देखिए अधिकतम जो होगा सबसे ऊपर वैल्यू मिलेगी, निम्नतम जो होगा, न्यूनतम जो होगा वो सबसे नीचे वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो सबसे ऊपर ये है और सबसे नीचे ये है, आसानी से ऐसे भी बात बता सकते हैं। मान लेते हैं अंकों को देख करके आप नहीं पता कर सकते, तो यहाँ पर जो है यहाँ पर सबसे ऊपर और सबसे नीचे कौन सी वैल्यू लिखी है ये तो जान ही सकते हैं। तो सबसे ऊपर कितना है, 1.55, सबसे नीचे कौन सा है, 0.35, और इनको घटा दीजिए। ठीक है, और घटा करके आप अपना आंसर लीजिए। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो DI वाले क्वेश्चन हैं भाषा थोड़ी बड़ी लिखी होती है और बच्चे इसी वजह से डर जाते हैं। तो आप लोगों को डरना नहीं है, क्वेश्चन को आप लोगों को देखना है ध्यान से, और जैसे ही आप लोग क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करते हैं क्वेश्चन आसानी से सॉल्व होता चला जाता है। अब देखिए इससे कठिन कठिन क्वेश्चन तो अन्य टॉपिकों में आप लोगों से पूछे जाते रहेंगे, दशमलव का घटाना इसमें आपसे पूछा गया सिंपली। ठीक है, तो इसी तरह के आसान आसान से प्रश्न आप लोगों से पूछे जाते हैं। इसमें जो है हम लोगों का अगला प्रश्न जो है इसमें क्या है, कह रहा है कि छात्र चार को भूगोल में 60 अंक मिला। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ज्योग्राफी का अंक दे दिया गया कितना, 60 अंक। ठीक है, इससे पहले वाला जो प्रश्न था जिसमें आंकड़े अपर्याप्त आ रहा था हमारा आंसर, ठीक है, उसमें हम लोगों को जो है किसी भी सब्जेक्ट का, पर्टिकुलर सब्जेक्ट का अंक नहीं दिया गया था। इसमें प्रश्न में बोल दिया है कि उसके जो है भूगोल में कितने अंक हैं, 60 अंक हैं। तो आपसे पूछा कि उसके इतिहास में कितने अंक हैं, तो हम ये बता सकते हैं अब। ठीक है, क्या कर सकते हैं, इसको हम बता सकते हैं। कैसे बताएंगे, आपको पता है H/G जो हमारा मान है किसके, छात्र चार के लिए, छात्र चार का ही तो इसमें दिया गया है। तो छात्र चार के लिए कितना है, तो कितना है, 1.25 है, 1.25, और इसका ज्योग्राफी का अंक दिया गया, ज्योग्राफी का अंक दिया गया कितना, 60, तो H/ कितना हो जाएगा, 60 = 1.25। ठीक है, देख रहे हैं कितना आसानी से सॉल्व हो रहा है, बस वैल्यू केवल पुटअप कर देनी है, उसके बाद जो है आपको H का मान मिल जाएगा। तो H बराबर कितना हो जाएगा, देखिए 60 गुणे
1.25 गुणा कर दीजिए सिंपली। तो गुणा कर देंगे तो यहाँ पर देखिए जीरो है, तो एक जीरो हमारा पहले हो जाएगा, फिर 6 का 125 में गुणा करिए तो कितना हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 6 × 5 = 30 के शून्य, हासिल 3, 6 × 2 = 12 और 3 × 15 के 5 हो जाएगा, और हासिल 6 × 6 और 1 कितना हो जाएगा 7। यहाँ पर 2 अंक बाद दशमलव लगा है तो आप भी क्या कीजिए, 2 अंक बाद दशमलव लगा दीजिए, तो कितना हमारा बचा, 75 बचा। ठीक है, तो हिस्ट्री में उसके कितने अंक हैं इतिहास में, तो देख रहे हैं इतिहास में उसके 75 अंक हैं। ठीक है, 75 नंबर उसको जो है हिस्ट्री में मिले हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए काफ़ी आसानी से हमारा आंसर आ चुका है। आंसर कौन सा सही हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन जो है इसमें हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए कैलकुलेशन इसमें DI में जो आपके प्रश्न होते हैं कैलकुलेशन बहुत ही कम होता है। ठीक है, बस उनको थोड़ा व्यवस्थित ढंग से आप लोग सॉल्व करें बस। ठीक है, तो कैलकुलेशन आसानी से, और आपके एग्जाम में ज़्यादा कैलकुलेशन दिया भी नहीं जाता, कैलकुलेशन आसानी से हो भी जाता है। चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं इस पर। ठीक है, अब अगला प्रश्न है हम लोगों का, इसमें कह रहा है कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक प्राप्त किए। ऐसे कितने छात्र हैं, ठीक है, जिन्होंने क्या किया है, इतिहास में ज़्यादा अंक अर्जित किया है, यानी हिस्ट्री में ज़्यादा अंक हैं और ज्योग्राफी में कम अंक हैं। ठीक है, हिस्ट्री में क्या है, ज़्यादा अंक हैं और ज्योग्राफी में कम अंक हैं। ठीक है, तो ऐसे कितने छात्र हैं, हम लोगों को उनकी संख्या बतानी है। तो अगर हम छात्र वन की फिर से बात करें, आपको पता है H/G रेशियो आपको दिया गया है, तो इसके अंकों को अगर हम फिर से लिखें तो इसके हिस्ट्री में कितने अंक हैं, हिस्ट्री में देखिए 65 और ज्योग्राफी में कितने हैं, 100 हैं। ठीक है, हिस्ट्री में कितने हैं, 65 और ज्योग्राफी में कितने हैं, 100 हैं। उसी तरह से अगर हम छात्र दो की बात करें, ये छात्र एक का हो गया छात्र दो की, तो छात्र दो के हिस्ट्री में कितने, 85 हैं और ज्योग्राफी में कितने हैं, 100 हैं। इसी तरह छात्र तीन की अगर हम बात करें तो छात्र तीन का 35 हैं हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में 100 हैं। अगर हम छात्र चार की बात करें तो छात्र चार जो है, ठीक है, इसके हिस्ट्री में कितने, 125 हैं और ज्योग्राफी में 100 हैं। अगर हम छात्र पाँच की बात करें, देखिए जैसे पहला प्रश्न हम लोगों ने सॉल्व किया था उसी तरह से इसको भी सॉल्व करना है बस। ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, 14/10। तो यहाँ पर भी हिस्ट्री में ज़्यादा है, ज्योग्राफी में कम ही है। ठीक है, और यहाँ पर अगर देखें, ठीक है, यहाँ पर छात्र नंबर 6 की, तो यहाँ पर 95 हैं हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में है 100। और इस छात्र की अगर हम बात करें सातवें की, तो इसका कितना है, 155 और फिर उसके बाद कितना है, 100। ठीक है, तो ऐसे कितने छात्र हैं जिनका हिस्ट्री में अंक ज़्यादा है। तो हिस्ट्री में अंक किसका, ये एक छात्र हो गया, दो छात्र हो गया, तीन छात्र हो गया। तो तीन छात्र ऐसे हैं जिनका जो है हिस्ट्री में ज़्यादा अंक है। ठीक है, हिस्ट्री में क्या है, ज़्यादा अंक है। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो देख रहे हैं इसमें हमारा जो ऑप्शन सही हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी जो है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें हम लोगों का करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं, तो देखिए यहाँ पर जो है इस तरह से प्रश्न आप लोगों से बहुतायत पूछे जाते हैं, और इसमें करना कुछ नहीं होता आप लोगों को, बस केवल जो है थोड़ी सी समझ आप लोगों को विकसित करनी है, और वो चीज़ हम आप लोगों को बताएंगे। आप लोग हमारे साथ बस केवल कंटिन्यूअस जुड़े रहिए, तो इन सभी प्रश्नों में एक भी प्रश्न आपका गलत नहीं होने देंगे। ठीक है, सभी के सभी प्रश्न आप लोग सॉल्व करके आएंगे, कहने का मतलब मैथमेटिक्स की पूरी जिम्मेदारी आप लोग हमें दे दीजिए, बस हमारे साथ करना क्या, आप लोगों को कंटिन्यूअस बने रहना है। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो है इसमें एक दूसरे तरीके का भी ग्राफ आपसे पूछा जाता है, अब उस ग्राफ को हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, और उसको भी जैसे इसको हम लोगों ने आसानी से सॉल्व किया, उसको भी आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं इसमें हम लोगों का ग्राफ क्या दिया गया है। तो पहला काम आप लोगों का क्या होता है प्रश्न को सॉल्व करने से पहले, जो ग्राफ दिया गया है उस ग्राफ को एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए, बार बार आपको ग्राफ ना पलटना पड़े। ठीक है, ग्राफ को एक ही बार में ढंग से पढ़ लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो दिया गया है कच्चे ऊन का उत्पादन दिया गया है। ठीक है, और उत्पादन किस में है, मीट्रिक टन में है, बस इतना आप लोगों को इसमें इंफॉर्मेशन दी गई है। तो यहाँ पर जो है वर्ष 2013 और 14 में कच्चे ऊन का उत्पादन कितना है, 56,
इसमें कितना है 51, फिर 53, 65, 76, 58, 68, 73, इस तरह से जो है ऊन का उत्पादन आप लोगों को दिया गया है और ये सब मेट्रिक टन में है, बस इतना आप लोगों को इसमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग जो है क्या करेंगे, सबसे पहले ग्राफ को बढ़िया से देख लेंगे और फिर उसके बाद जो है आप लोग प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आप लोग बहुत ही बेहतर ढंग से क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग प्रश्न को देखते हैं और उसके आधार पर जो है हम लोग अपना जवाब देना शुरू करते हैं। तो चलिए हम लोग प्रश्न देखते हैं। इसमें हम लोगों को प्रश्न क्या दिया गया है, तो कह रहा है पहले 4 वर्षों का उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों में कच्चे ऊन का उत्पादन कितना प्रतिशत बढ़ गया। ठीक है, कितना प्रतिशत बढ़ गया आप लोगों को यही बताना है। ठीक है, प्रतिशत वृद्धि बतानी है। तो पहले 4 वर्ष की आपसे बात की गई है, तो पहले 4 वर्ष का कौन कौन से हो गए, पहले 4 वर्ष आपके ये हो गए, तो इनको सबसे पहला काम आप लोग जोड़ लीजिए। ठीक है, पहले 4 वर्ष को जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा, देखिए 56, 51, 53 और 65 जोड़ना है। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोगों को जोड़ना तो आना ही चाहिए, आसानी से आप लोग इसको कैसे जोड़ सकें। ठीक है, तो जोड़िए यहाँ पर, तो जोड़ेंगे देखिए 5, 5, 10, 5, 15 और 15, 6, 21 हो गया हमारा 210 और फिर उसके बाद जो है 6, 1, 7, 3, 10 और 10, 5, 15, 210 और 15 कितना हो गया हमारा 225। तो इन 4 वर्षों को जोड़ते हैं तो कितना आता है हमारा 225 आता है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, इसमें आप लोगों को 56 प्लस 51 प्लस 53 प्लस 65 कर देना है। ठीक है, कहने का मतलब इतने पूरे को आपको जोड़ लेना है। फिर उसके बाद अंतिम 4 वर्ष में, अंतिम 4 वर्ष को जोड़ लीजिए, यहाँ से यहाँ तक को जोड़ दीजिए, कहने का मतलब अब 76, 58, 68 और 73 को जोड़ लीजिए, कितना होगा जुड़ के, तो देखिए पहले हम क्या करते हैं दहाई के अंकों को जोड़ते हैं ताकि आसानी से योग हम लोगों को पता चल जाए। तो यहाँ पर कितना है, 73 है, फिर उसके बाद 7 है, 5, 12, 12, 6, 18, 18, 7 कितना होता है 25, तो हो गया हमारा 250 और 250 में अब 8, 3, 11, 11, 8, 19 और 19 और 6 कितना होता है 9, 6, 15। ठीक है, तो 25 हो गया, तो हमारा 250 उधर हुआ था और 25 ये तो कितना हो गया 275 हो गया, 225 कितना हो जाएगा 275 और फिर उसके बाद 225 से 275 कितना ज़्यादा है। ठीक है, आप लोगों को यही परसेंटेज ही तो बताना है। ठीक है, कितना प्रतिशत बढ़ा है, तो कितना ये ज़्यादा है तो क्या करेंगे, इसको घटा देंगे 225 में, 275 में से क्या करेंगे, 275 में से 225 को घटा दीजिए और किससे आपको बताना है, तो यहाँ पर 225 से आपको बताना है और गुणे में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, तो 275 में से 25 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, देखिए 25 और 50 उसमें जोड़ दीजिए हो जाएगा 75, तो कितना बचा हमारा 50 और बटे में कितना है 225 और गुणे में कितना है 100। ठीक है, अब इसको हम लोग जो है कैंसिल आउट करते हैं, तो कैंसिल आउट करने पर हमारा कितना बचेगा, तो 5 से अगर कैंसिल आउट करें तो ये हो जाएगा 5 दम 50 और ये हो जाएगा 5 24 और फिर उसके बाद कितना यहाँ पर 5 25 25, फिर से 5 से कैंसिल आउट करें तो 5 दूनी 10 हो जाएगा और ये हो जाएगा 5 9 45, तो बचा कितना 2 गुणे 100 बटे में 9, तो ये हो गया हमारा 200 और 200 बटे में कितना 9 और 9 से इसको डिवाइड करिए तो 9 दूनी 18, 18 2 20 हो गया, फिर से भी हो गया यहाँ पर 20, तो 9 दूनी 18 फिर से हो जाएगा, फिर से 2 बचेगा तो 22.2% आएगा हमारा, इसे 2 2 आता रहेगा। ठीक है, तो इसमें जो है प्रतिशत बढ़ोतरी कितनी है, ठीक है, पहले 4 वर्षों से अंतिम 4 वर्षों में कितना प्रतिशत बढ़ गया, तो 22.2% जो है बढ़ गया, तो इसमें ऑप्शन हमारा जो है बी वाला ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए काफ़ी आसानी से जैसे परसेंटेज सिंपली आप लोग ज्ञात करते थे वैसे ही परसेंटेज को यहाँ पर भी ज्ञात किया गया है। ठीक है, और आसानी से आप लोग इसको ज्ञात कर सकते हैं, बस प्रश्न को ध्यान में रखना है कि प्रश्न क्या पूछ रहा है उसी तरह से आप लोगों को बार बार सॉल्व कर लेना है। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न अब हम लोग देखते हैं। बस इसमें करना क्या होता है, क्वेश्चन का जो है क्या अप्रोच हो रहा है, क्वेश्चन क्या कंडीशन बना रहा है, उसी कंडीशन को आप जल्दी से बना लीजिए। ठीक है, और उसके लिए अगर आपको नहीं आ रहा है बनाना कंडीशन तो उसके लिए हम हैं,
तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, कंडीशन बनाना हम आपको बता देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है कि 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन कितना है, ठीक है, 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन कितना है, ठीक है। कहने का मतलब, अब औसत क्या होता है, सभी का योग बटे सभी की संख्या, औसत क्या होता है, औसत, ठीक है, क्या होता है, सभी का योग, ठीक है, सभी का योग बटे सभी की संख्या, ठीक है, सभी की संख्या। तो टोटल 8 वर्ष दिए गए हैं, तो सभी का योग ज्ञात कर लीजिए। अब देखिए, सभी का योग अब फिर से नहीं ज्ञात करना, आप लोग शुरू कीजिए। अभी आप लोगों ने इन प्रथम 4 वर्षों को जोड़ा था तो कितना आया था, 225, और अंतिम 4 वर्षों को जब आप लोगों ने जोड़ा था तो कितना आया था, 275, ठीक है। तो इन्हीं को आप सिंपली जोड़कर लिख लीजिए, यहाँ पर तो सभी का योग आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो 225 प्लस 275, टाइम भी तो आपको बचाना है, बार बार ऐसे जोड़ते रहेंगे तो आपका टाइम निकल जाएगा। और सभी कितने हैं, 8 हैं, 8 वर्ष बोला ही आपसे, 8 वर्षों का औसत उत्पादन कितना था, ठीक है। तो यहाँ पर सभी को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ पर देखिए 200 200 400, और 75 25 100, तो कितना हो गया, 500, ठीक है। और 500 में 8 से आपको डिवाइड कर देना है, तो पहले बार कितना जाएगा, 8 6 48, ठीक है, 2 50 20 हो गया, फिर उसके बाद 8 2 16 और 4 20, 8 5 40, तो कितना आ गया हमारा, 62.5। और देखिए, ये सब आपको शुरुआत में डेटा दिया गया था कि किस में है, सब मेट्रिक टन में है, तो ये हमारा किस में आ जाएगा, आंसर मेट्रिक टन में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों का औसत आ चुका है 62.5, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों का ऑप्शन कौन सा सही होगा, तो देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी जो दिया गया है हम लोगों का, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया गया है कि उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटक किस वर्ष रही, ठीक है, सबसे अधिक जो है किस वर्ष जो है सबसे ज़्यादा घट रही है परसेंटेज में, ये हम लोगों को बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ऑप्शन से चलना शुरू करते हैं, इस प्रकार का जब प्रश्न हम लोगों को मिलता है तो कहाँ से शुरू करेंगे सॉल्व करना, ऑप्शन से हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है। तो पहला हमारा ऑप्शन क्या दिया गया है, यहाँ पर पहला दिया गया है 2014-15, तो 2014-15 में देख रहे हैं, पिछले वर्ष की तुलना में आपको देखना है, तो पिछले वर्ष की तुलना में यहाँ पर कमी हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पर परसेंटेज अगर हम लोग ज्ञात करें तो कितना आएगा कमी परसेंटेज, तो देखिए पिछले वर्ष की तुलना में हम लोगों को बताना है कमी परसेंटेज कितना होगा। तो पिछले वर्ष हमारा कितना है, 2014-15 की बात करें, पिछले वर्ष कितना है, तो 56 है, और घट करके कितना हो गया, 51 हो गया, तो कितने की कमी आई, तो 51 में 56 में से 51 घटा दीजिए, तो 51 5 56 होता है, तो कितना बचेगा, 5, और गुणे में कर दीजिए 100, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कितना हो गया हमारा, 500 बटे 56, ठीक है। और देखिए 500 है और 56 धामा 560, तो कहने का मतलब ये 10% से कम ही है, ठीक है, 10% से कम ही है, पूरा डिवाइड नहीं करना है आपको, ठीक है, क्योंकि आपका ये आंसर हो सकता है हो या ना हो, ठीक है। तो सिर्फ आपको इतना जान लेना है। फिर उसके बाद वर्ष 2017-18 में देखें, तो वर्ष 2017-18 में देखें तो पिछले वर्ष की तुलना में यहाँ पर कमी हुई ही नहीं है, बढ़ोतरी हुई है, देख रहे हैं 65 से 76 हो गया, तो ये ऑप्शन तो हमारा हो ही नहीं सकता है, तो इसको चेक ही नहीं करना है, ठीक है। फिर उसके बाद वर्ष 2013-14 में अगर देखें, तो वर्ष 2013-14 में पिछले वर्ष की तुलना में हमको बताना है, तो यहाँ पर पिछला वर्ष है ही नहीं, तो यहाँ पर इसको भी हमें नहीं चेक करना है, ठीक है। और फिर उसके बाद वर्ष 2018-19 में देखें, तो वर्ष 2018-19, ठीक है, ये हमारा वर्ष 2018-19 है, हाँ, तो इसमें पिछले वर्ष की तुलना में कमी आई है। तो पिछले वर्ष इसमें कितना था, तो पिछले वर्ष था 76, और कमी कितने की आई, तो इसके लिए क्या करेंगे हम, 76 में से 58 को घटा देंगे। तो 76 में से 58 को घटाएंगे, तो घटाने पर हमारा कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए 16 में से 8 घटेगा, तो कितना बचा, 8, और फिर उसके बाद जो है यहाँ पर कितना हो गया हमारा, 6 में से 5 घटेगा 1, और गुणे में कितना हो जाएगा, 100। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर हमारा जो दिख रहा है कितना हो गया, 1800 बटे में 76। अब देखिए 76 धामा 760 ही होगा,
यहाँ पर जो वैल्यू आ रही है ये 10% से कम आ रही है, 10 से कम आ रही है, और ये वैल्यू आपकी जो है 20% से भी ज़्यादा आ रही है। ठीक है, तो कहने का मतलब सबसे ज़्यादा कमी परसेंटेज कहाँ पर आ रहा है, ये वैल्यू बड़ी है, ये वैल्यू छोटी है, तो कमी परसेंट। अच्छा, इसको डिवाइड भी कर देंगे तो ये आता है 8.02%, और ये जो आता है ये 23.06% के आसपास आता है। ठीक है, तो ज़्यादा कौन सा परसेंटेज घट रहा है, तो यही हमारा सबसे ज़्यादा घट रहा है, तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसमें हम लोगों का राइट आंसर बनेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हमको चारों ऑप्शन चेक करने होते हैं, पर अगर आप लोग थोड़ी सी सिंसियरिटी दिखाते हैं तो यहाँ पर प्रश्नों में हम लोगों को सभी को चेक नहीं करना होता। ठीक है, केवल इसमें जो कंडीशन के लायक बनते हैं उन्हीं को हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला प्रश्न अपना देखते हैं। ठीक है, देखिए उसी DI पर फिर से यह प्रश्न हम लोगों को पूछा गया है। तो होता क्या है, आपके प्रश्न में एक ग्राफ दे दिया जाएगा उस पर 5 क्वेश्चन, फिर दूसरा ग्राफ दिया जाएगा उस पर 5 क्वेश्चन, ऐसे एक टेबल दिया जाएगा उस पर 5 क्वेश्चन, दूसरा टेबल दिया जाएगा उस पर 5 क्वेश्चन, तो कुल मिलाकर के इस तरह से आपके एग्जाम में 20 प्रश्न पूछे जाते हैं 20 अंक के। ठीक है, तो हम लोग जो है इसमें टेबल को भी कवर करेंगे, साथ में ही उसमें आपके जो ग्राफ वाले प्रश्न होते हैं उनको भी कवर करेंगे। आप लोगों के सामने हम लोग ग्राफ वाला प्रश्न पढ़ ही रहे हैं। ठीक है, चलिए इसमें अब हम लोग इस प्रश्न को देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है कि वर्ष 2014-15 में कच्चे ऊन का उत्पादन, तो वर्ष 2014-15 में कच्चे ऊन का उत्पादन कितना है, तो यहाँ पर देख रहे हैं 51 है। ठीक है, और 19-20 में ऊन के उत्पादन, 19-20 में उनका उत्पादन कितना है, 68 है। का था उत्पादन का था, यानी कितने गुना था ये पूछना चाह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो देख रहे हैं कितना 2014-15 में कितना है, 51 है, और फिर उसके बाद जो है यहाँ पर 19-20 में कितना है, 68 है। कितना है, 68 है, बस यही वैल्यू आपको बता लेनी है। ठीक है, तो 17 * 51 17 * 4 = 68, तो कितना आ गया, 3/4। तो कितने गुना है, उत्पादन का कितना था, 3/4 था, ऐसे बोल सकते हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसमें हम लोगों का राइट आंसर बनेगा। ठीक है, देख रहे हैं कुछ प्रश्न होते हैं, एक आध प्रश्न आपके DI में कि जो आपसे थोड़ा टाइम मांगेंगे, जैसे कि इससे पहले वाला प्रश्न जिसमें आपसे परसेंटेज पूछा गया था। ठीक है, और कुछ प्रश्न ऐसे होंगे कि आपको तुरंत आसानी से आंसर दे देंगे। ठीक है, तो आपको वहाँ पर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तो जिस पर टाइम दे लग रहा है उसमें थोड़ा टाइम दे दीजिए, वो भी आपका सही हो जाएगा, और इस तरह से आपके पूरे के पूरे प्रश्न सही होंगे, बस केवल आप लोग कंटिन्यूस जुड़े रहें। चलिए अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। अब अगला प्रश्न हम लोगों को क्या है, इसमें क्या दिया गया है, कह रहा है कि कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि का वर्ष था, यानी किस वर्ष में सबसे अधिक जो है उत्पादन में वृद्धि हुई। ठीक है, तो आप लोग इसमें से वैसे ही देख सकते हैं कि सबसे अधिक जो है किस वर्ष में उत्पादन हो रहा है। ठीक है, किस वर्ष में सबसे अधिक उत्पादन हो रहा है, आप लोगों को इसमें यही बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर उच्चतम वृद्धि किस वर्ष है, तो सबसे बड़ा वाला जो बना होगा आपका उसी में तो सबसे ज़्यादा वृद्धि दिखाएगी। ठीक है, तो सबसे बड़ा वाला इसमें कौन सा है, सबसे बड़ा आपका कौन सा है, 76 है, और ये किस वर्ष में है, तो वर्ष 2017-18 में है। ठीक है, किस वर्ष में है, वर्ष 2017-18 में है, तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, वर्ष 2017-18, यानी डी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। देख रहे हैं कितना आसानी से इसने जवाब दे दिया, आपको सॉल्व भी नहीं करना था, केवल देख करके टिक कर देना था बस। ठीक है, तो आसानी से इसी तरह से प्रश्न आप लोगों के DI वाले हम आपको लोगों को सॉल्व कराते रहेंगे, इसके लिए आप लोग हमारे साथ जुड़े रहें। तो यहाँ पर ग्राफ वाले प्रश्न यहाँ पर हम लोगों के समाप्त होते हैं, इसी प्रश्न के साथ हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट कर दें। अभी हम लोग जो है और भी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, DI के भी, टेबल के भी, तो टेबल वाला भी प्रश्न अब हम लोगों का जल्द ही आने वाला है। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए, और ताकि आगामी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।